ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 13 अक्टूबर 2018 शनिवार का दिन है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन रहेगा। इस दिन कुष्मांडा देवी का विशेष रूप से पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। अनुराधा नक्षत्र जो कि दोपहर 1:32 तक रहेंगे, उसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहेंगे। दिशाशूल जो कि पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए इस दिन पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायक माना जाता है। यदि किसी कारणवश आपको पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो अदरक खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 9 से लेकर 10:30 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए। राहु काल के दौरान शुभ कार्यों की मनाही कही गई है। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य देव कन्या राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध तुला राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष वृषभ मिथुन सिंह कन्या तुला और कुंभ ये 7 लकी राशियां रहने वाली है। इनको विशेष फल की प्राप्ति होने वाली है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं 12 राशि का राशिफल। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कंफ्यूजन की जो स्थिति चल रही है वह समाप्त होगी। किसी बात पर मायूस होने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण काम आपके निपट जाएंगे जो आपको बड़ा फायदा देने वाले होंगे। किसी अधूरे काम को पूरा करने के बाद उससे आपको फायदा होगा। सावधान रहे, आपका खर्चा बढ़ सकता है, पुरानी देनदारी भी आपके सामने आ सकती है, लेकिन धन प्राप्ति के संयोग से मन आपका प्रसन्न रहेगा। कोई शुभ संकेत आपको मिलने वाला है। मन में हल्की बेचैनी रहेगी। घर और कार्य क्षेत्र दोनों जगह परेशानी वाला माहौल बन सकता है। दोस्तों पर फालतू खर्चा आपका हो सकता है। उपाय के रूप में यदि लाल रंग का धागा जिसे मोली कहा जाता है वो भगवान गणेश जी को आप चढ़ाएंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। प्रॉपर्टी के कामों से आपको धन लाभ का योग बन रहा है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। आप पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे और अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दिन आपके लिए अच्छा है, धैर्य से काम करें। नकारात्मक विचारों और ऐसे ही माहौल से दूर रहने का प्रयास करें। दिन भर पैसों के बारे में आप सोचेंगे। दोस्तों के साथ आपका समय व्यतीत होगा। मनपसंद भोजन और मनपसंद जगह जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं पर आप छुट्टी मनाने का विचार भी कर सकते हैं। अविवाहित लोगों को प्रेम प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। उपाय के रूप में यदि किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को पुराने कपड़े आप दान करेंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आगे बढ़ने के भरपूर अवसर आपको प्राप्त होंगे। रोजमर्रा के काम सभी समय पर पूरे हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र पर आपको कई लोगों की मदद मिलेगी। कुछ अनजाने लोग भी आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। कोई राज की बात आज आपको पता चलने वाली है। जो भी काम करेंगे उसमें कुछ न कुछ फायदा तो जरूर होगा, धन लाभ भी होगा। आप जिस संस्थान या जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहां पर कोई बदलाव हो सकता है। नए काम, नए व्यक्ति का सकारात्मक असर आपके रूटीन कार्यों पर पड़ेगा। घूमने फिरने का अवसर आपको प्राप्त होगा। कुछ नया करने और आगे बढ़ने के लिए खुद को आपको समय देना होगा। कोई नई खुशखबरी या नया संदेश आज आपको प्राप्त होने वाला है। रोजमर्रा के महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उपाय के रूप में अंकुरित हरे रंग के अनाज यदि आप खाएंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। परिस्थितियों में थोड़ा बदलाव आएगा। साथ काम करने वाले लोगों से आपको मदद मिलेगी। आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिन चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं आपको उनके बारे में कोई नई बात समझ में आ सकती है। आपके साथ कुछ अच्छा होगा, कोई खास बात भी सीखने को आपको मिलेगी। नौकरी और बिजनेस में बदलाव का मन बनेगा। माता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। मानसिक अस्थिरता के कारण आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। भावनात्मक तौर पर कमजोरी या खालीपन जैसा महसूस होगा। पैसों की कमी आपको महसूस होगी। निवेश के लिहाज से दिन बहुत अच्छा है। सावधान रहे, जिद से आपके काम बिगड़ सकते हैं। इससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। उपाय के रूप में यदि एक सुपारी आप देवी जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा और आसपास के लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। पुरानी टेंशन समाप्त होगी, भाग्य का साथ पूरा पूरा मिलेगा और फायदा भी होगा। खुद का ध्यान रखें, आज आप अपने काम में सकारात्मक बदलाव करने में कामयाब रहेंगे। खुद के लिए खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों और भाइयों से अचानक आपको सहयोग प्राप्त होगा। दोस्तों के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। नई योजनाएं आपकी बनेगी। भागीदारी में आपके द्वारा किए गए फैसले फायदेमंद साबित होंगे। अचानक यात्रा हो सकती है या किया गया कोई काम फिर से आपको करना पड़ सकता है। उपाय के रूप में यदि आप देवी जी के मंदिर में एक पान चढ़ाएंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। धन लाभ होगा। दोस्तों और परिवार वालों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। बुद्धि और मीठी वाणी से आप आसपास के लोगों का दिल जीत सकेंगे। दुश्मनों पर आपको विजय श्री प्राप्त होगी। आज आप सही समय पर सही जगह मौजूद रहेंगे, इससे आपको ही फायदा होगा। किसी खास काम में आप पूरी ताकत से जुड़ जाएंगे, खुद को साबित करके दिखा देंगे। कोई अच्छी खबर भी आज आपको मिलने वाली है। बेरोजगार लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। नौकरी चाहिए तो नौकरी भी आज आपको मिलने वाली है। आज आप जिद्दी रहेंगे तो नुकसान हो सकता है। किसी गलत चीज की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। किसी की बुराई करेंगे तो खुद परेशानी में फंस सकते हैं। उपाय के रूप में यदि आप किसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा गुड़ रख देंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। अपनी प्राथमिकता तय करें, उसके बाद खास काम सबसे पहले निपटा लें और उलझे हुए मामले निपट जाएंगे और ज्यादातर मामलों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। कुछ घटनाएं काम ऐसे होंगे जिनसे आपको फायदा भी होगा। कामकाज संबंधित अच्छे और व्यावहारिक तरीके से आपके सामने आप काम करने का प्रयास करेंगे। व्यवहार कुशलता और सहन शक्ति से आप काम करें, चीजें खुद ब खुद सुलझ जाएगी और आपके सामने आ सकती है। अचानक धन लाभ होगा। रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। कुछ चीजों की खरीदारी से आपको नुकसान हो सकता है, सावधान रहे। पैसों को लेकर के पार्टनर से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कोई सलाह देगा लेकिन नौकरी और कामकाजी जिंदगी में दुश्मनों से भी आपको सावधान रहना होगा। कुछ गलत फैसले भी आपके द्वारा हो सकते हैं। उपाय के रूप में यदि आप पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। पार्टनर से आपको सुख प्राप्त होगा। अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। आपकी महत्वाकांक्षा चरम पर रहेगी। बिजनेस और कार्यक्षेत्र से संबंधित यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। जितना काम करते जाएंगे उतना ही कुछ नया सीखते जाएंगे। लोग आपकी मेहनत से प्रेरणा ले सकते हैं। किसी चिंता से भी आपको मुक्ति मिलेगी। दिन भर दूसरों को कुछ न कुछ सलाह देंगे। दूर स्थान के लोगों से आपके संबंध मधुर रहेंगे। ऑफिस में थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति आपके साथ बन सकती है। उपाय के रूप में यदि आप लाल रंग की कोई भी वस्तु देवी जी के मंदिर में चढ़ा देंगे, जैसे लाल कपड़ा, लाल फल या लाल फूल, तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल फल देने वाली रहेगी। निवेश के जो विकल्प या उपाय आप सोच रहे हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगे। आप जो भी सोचेंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। किए गए कामों का पूरा परिणाम आपको मिलेगा। सही समय पर निवेश करें। साझेदार से आपको फायदा होगा। जमीन जायदाद का कोई बड़ा काम निपट सकता है। ऑफिस या बिजनेस में नई पहल करने का समय है। कैरियर और सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी। आगे बढ़ने का कोई अच्छा मौका भी आज आपको मिलने वाला है। प्रॉपर्टी से आपको फायदा होगा। पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। कानूनी मामले भी आज आपके निपट जाएंगे। काम में मन थोड़ा कम लगेगा। मन में उथल पुथल चलती रहेगी। एक साथ कई काम करने के चक्कर में आप नुकसान भी कर सकते हैं। सकारात्मक विचारों के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आपके लिए जो है शुभ संकेत प्राप्त हो सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के पूजन स्थल में थोड़ी सी पीली मिठाई का भोग लगा करके उसका प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आपका दिन अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपको धन लाभ होगा। जिन लोगों से आपको पैसा लेना है उनसे आप वसूली कर सकते हैं। सोचे हुए पुराने काम आपके शुरू करें। दिन अच्छा है। किसी तरह की निवेश की योजना भी आप बना सकते हैं। आज आप बिल और देनदारियां भी चुका देंगे। कार्यक्षेत्र या ऑफिस से जुड़ी योजनाएं आपकी पूरी हो जाएगी। ऑफिस और बिजनेस में आपके फैसले जो है बड़ा फायदा देने वाले साबित होंगे। कुछ अनचाही घटनाएं आपको जो है परेशान कर सकती है, उनसे बचने का अवसर आपको शायद ही मिल पाएगा। दोस्तों या आसपास के लोगों पर आपका खर्च हो सकता है। दिन आपके लिए मिला जुला साबित रहेगा। उपाय के रूप में यदि आप हल्दी देवी जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा।
अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। अचानक कोई अच्छी खबर या आइडियाज आपको मिल सकते हैं। लोगों का ध्यान आपके ऊपर रहेगा और ज्यादातर काम आपके पूरे होंगे। पुराने दोस्त या किसी चाहने वाले से मुलाकात हो सकती है। कुछ ऐसी बातें या चीजें आपके सामने आएगी जो आने वाले दिनों में आपको बड़ा फायदा देगी। किसी के साथ अनबन चल रही है तो सुलह हो जाएगी। कोई बीमारी है वह भी समाप्त हो जाएगी। बिना मांगे किसी को भी सलाह बिल्कुल न दे। उपाय के रूप में एक इलायची यदि आप गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। कहीं से आपको कुछ निवेश की सलाह मिल सकती है। पुराना निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अपनी प्लानिंग को गुप्त रखेंगे तो आप सफल भी हो जाएंगे। आपके सोचे हुए ज्यादातर काम भी पूरे हो जाएंगे। सोच समझ करके निवेश करें। आज आप ज्यादा सोच विचार कर कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आप नुकसान से बच जाएंगे। और यदि आप पके हुए चावल घी शक्कर मिला करके किसी भी मंदिर में चढ़ा देंगे तो दिन आपका अत्युत्तम साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।